ये केला लिए हैं तो यहाँ से और यहाँ से काट लेंगे। इस तरह से इसको छीलेंगे, पहले ही धो लिए थे, और इसको लंबाई में बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से पीस बनाएंगे, हाफ सेंटीमीटर का चौड़ाई रखे हैं। ये देखिए हाई फ्लेम पे कढ़ाई में पानी रख दिए थे, ये सादा नॉर्मल पानी था और ये गर्म होके इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। तो अब ये चलनी रखेंगे इस तरह से, और चलनी में अपना भेज डाल के, भेज का पेस्ट डाल के इस तरह से ढक देंगे, और 5 मिनट के बाद उसको देखेंगे। अगर कोई कसर बचा रहेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ रहेगा, तो दोबारा से उसको कर लेंगे। ऐसा करके हाफ डे ही करना है, बाकी उसको बैटर के साथ तलते टाइम सीजेगा। लहसुन का पेस्ट बनाएंगे, इसके लिए ये 3 मीडियम बड़ा साइज का लहसुन का गुच्छा ले लिए हैं, और इसका सारा दाना निकाल कर अच्छे से छील के धो के साफ कर लेंगे। तो ये देखिए इतना सारा दाना, एक मुट्ठी के आसपास ये दाना तैयार हो गया है, और इसको अब पीसेंगे लोड़ी प्लेट पे। इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन अगर मिक्सी में पीसेगा तो ये गर्म हो जाता है, इसलिए वहाँ पे नॉर्मल पानी में ही आइस क्यूब लेके पीसेगा ताकि ये गर्म ना हो और पेस्ट भी अच्छा से बन जाए। और दूसरा, मिक्सी में पीसते टाइम इसमें पानी यूज नहीं होता है, तो वहाँ पे बिना पानी यूज किए पेस्ट बन नहीं पाएगा, तो इसलिए लोहे सिलवट का या सिलवट्टे का ही इस्तेमाल मिले। ये देखिए पेस्ट हो गया है तैयार, इसको इस तरह से, ये लगभग 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, तैयार हो गया है देखो, और थोड़ा सा पानी के साथ। ये पेस्ट तैयार हो गया है, यहाँ पे 1/2 kg मैदा है, लेकिन इसमें से 1/2 ही यूज करेंगे, 250 ग्राम से। तो और ये चलनी है, ये चलनी मैदा चलने वाला है, या आटा चलने वाला से काफ़ी बारीक होता है, तो यही चलनी लेना है। तो ये 250 ग्राम मैदा ले लिए, और फिर इसको अच्छे से चाल लेंगे ताकि गुठली ख़त्म हो जाए और कीड़ा जो रहे वो सब ऊपर ही रह जाए, वैसे मैदा
चलाए तो ये देखिए, और बाकी इसका बचा हुआ फेंक लेंगे। अब इसको जो लहसुन पिसा हुआ था इसी कटोरे में ये सब को डाल लेंगे। मैदा डाल लिया, ये मिर्च पाउडर टेस्ट से, और ये टेस्ट से नमक, बाकी फिर चेक करके ठीक कर लेंगे। और इसको जरा बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिए, सारे मिला लिए, और इसका बैटर बनाने के लिए पानी, नॉर्मल पानी इस्तेमाल में लेंगे। ये देखिए डालते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं। धीरे धीरे डालेंगे, धीरे धीरे मिलाएंगे। हाथ से भी कर सकते हैं। अभी ये नहीं हुआ है, ये भी काफ़ी गाढ़ा है, लेकिन इसको अच्छे से फेंट लेंगे, अभी गुठली रहेगा तो ख़त्म हो जाएगा। फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको अच्छे से फेंटना है, और इसमें नमक और मिर्च का टेस्ट और लहसुन का टेस्ट हार्ड ही रखना है। अब ये देखिए इस तरह से गिरता हुआ है। तो ऐसा ही हमको चाहिए, ये देखिए लास्ट तक। मैं एक चम्मच के करीब ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, नहीं तो पकौड़ा पेस्ट पे इसका लेयर नहीं चढ़ पाएगा, और ज़्यादा मोटा भी नहीं करेंगे, फिर वो ज़्यादा इसका लग जाने से टेस्ट ख़राब आएगा, तो इसलिए इसका थिकनेस ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए पुआ जैसा बैटर हो गया है, और इसको 5 मिनट रेस्ट पे रखेंगे, नमक मिर्च टेस्ट करके बैलेंस कर लेंगे। ये देखिए हाई फ्लेम पे कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं फ्राई करने के लिए, और सारे जो भी इस भेज जो यूज किए थे उसको फ्राई करने से पहले एक बार स्टीम लगा दिए थे 5 मिनट, या जैसा मोटाई हो ट्रांसपेरेंट होने तक। और इधर मेरा बैटर भी तैयार है 5 मिनट रेस्ट के बाद। ये देखिए ऐसा इसका थिकनेस है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो कढ़ाई अब गर्म हो गई है, तो इसको सरसों तेल में फ्राई करेंगे। तेल डाल लिए, तेल डालिए, और तेल को हाई फ्लेम पे धुआं आने तक गर्म करेंगे, फिर इसमें बैटर में लपेट के डालेंगे।
बैटर मेरा गर्म हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा बैटर लेके एक बूंद डालेंगे। वो तुरंत ऊपर आ गया है, मतलब ये अच्छे से गर्म हो गया है फ्राई होने। तो इसको बाहर कर लेंगे। ये देखिए, ये स्टीम लगाया हुआ केला का पीस है। स्टीम लगा के फिर थोड़ा देर इसको फैला के ठंडा होने दिए थे, ताकि ये जो भी पानी रहे वो ड्राई हो जाए। और अब इसको इस तरह से बैटर में डाल देंगे। ये देखिए ऐसे, और इसमें से निकाल निकाल के कढ़ाई में डालते जाएंगे। और फ्राई करते टाइम फ्लेम हाई ही रखना है। और एक्स्ट्रा बैटर को ये देखिए, इसमें जो है तो जब निकाल रहे हैं तो एक्स्ट्रा जो बैटर है उसको नीचे ख़त्म करने के बाद ही कढ़ाई में डाल रहे हैं। तो इस तरह से ही डालेंगे। और ये देखिए मेरा फ्राई हो रहा है। केला का पकौड़ा हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और देखिए एक साइड कलर चेंज हो गया, दूसरी तरफ बदल देंगे। और जैसा कलर पसंद हो, लाइट गोल्डन या डार्क गोल्डन, ऐसा आने पे इसको फिर निकाल लेना है। दोनों तरफ से क्रंची होने के बाद लाइट गोल्डन डार्क गोल्डन जैसा भी पसंद है उसके बाद निकालना है। ये खाने के लिए ये तैयार हो जाएगा। इसको सरसों तेल में ही फ्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, बाकी तेल में नहीं आता है। और फ्लेम हाई ही रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको हार्ड मैन कर चुके थे स्टीम पे ही, पत्थर रहने का भी डर नहीं है। और ये देखिए हम लोग का तैयार हो गया है केला का। तो इसको इस छली में इससे निकाल के डाल लेंगे। और फ्लेम स्टार्टिंग से अभी तक हाई ही था, लो नहीं रखना है, नहीं तो फिर इसमें तेल लॉक हो जाएगा। और गैस ऑफ कर दिए। ये देखिए मेरा केला का बचका रेडी है। थोड़ा देर इसमें से तेल निकलने देंगे।